हेलो, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ नेमत और आज आप देख रहे हैं मेरे किचन में चिकन बोनलेस बोटी कबाब। तो बने रहे मेरे साथ और देखें इसके बनाने का तरीका। चिकन बोटी कबाब बनाने के लिए मैंने आधा केजी बोनलेस चिकन धोकर निथार लिया है और इसे एक छलनी में छान लिया है ताकि ये खुश्क हो जाए। अब इसे किसी बड़े बोल में डालें। कैरेमलाइज्ड ओनियन बनाने के लिए मैंने दो अनियन को सबसे पहले एक स्लाइसर से इवनली स्लाइस कर लिया है। अब इसे थोड़े से नमक के साथ भिगो दें। पाँच मिनट पानी में पड़ा रहने दें, फिर इसे छान लें। इसे अच्छी तरह पानी से निचोड़ कर किसी बर्तन पे फैला दें। इसमें पानी बिल्कुल ना रहे इसके लिए इसे टिश्यू पेपर से दबा कर खुश्क कर लें और बहुत ही बारीक टुकड़े को अलग कर लें। बेहतर ये होगा कि एक टिश्यू पेपर इसके अंदर फैला दें ताकि एक्स्ट्रा पानी जज्ब हो जाए। इस स्लाइसेस पर हल्के हल्के कॉर्न फ्लोर डालें और इसे मिला लें। पहले से गरम किए हुए तेल में ऑनियन स्लाइसेस को डालें, छोटे बैचेस डालें और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे क्रिस्प करें। कैरेमलाइज्ड ओनियन रेडी है। ये बिल्कुल क्रिस्प है और इसे आप एयर टाइट जार में कम से कम 10-15 दिन तक आसानी से रख सकते हैं। बोनलेस चिकन बोटी कबाब बनाने के लिए 3 टेबलस्पून दही लें, 1 टेबलस्पून ऑनियन पेस्ट डालें, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, 1 टेबलस्पून भुने हुए चने की दाल और पोस्ता दाना का पाउडर डालें, 2 टेबलस्पून कैरेमलाइज्ड ओनियन जिसे कि मैंने क्रश कर लिया है डालें, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालें, 1 टीस्पून नमक डालें या नमक हस्ब ज़ायका डालें।
चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर डालें। अगर आप गेस्ट के लिए इसे बना रहे हैं तो फूड कलर यूज़ करें। 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालें। 1 टीस्पून लेमन जूस डालें। अब इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह इकट्ठा कर लें। मसाला रेडी है। अब इस मसाले को आप बोटियों के ऊपर डालें। अब बोटियों को अच्छी तरह मसाले में लपेट लें और इसे 4 घंटे तक फ्रिज में पड़ा रहने दें, पर 1 घंटा फ्रिज से बाहर रखें तो रिज़ल्ट और बेहतर आएगा। मैंने इसे हाथों से मसलकर रेडी कर लिया है और यहाँ पर मैंने इसका मज़ा भी चख लिया है। आप भी ऐसा ही करें और अगर नमक या मिर्च की कमी पाएं तो मिला लें। अब ये 4 घंटे तक यूं ही पड़ा रहने दें। चार घंटे बाद इस मैरिनेटेड चिकन को आप सीख पर लगा लें। 3 या 4 पीस एक सीख पर काफ़ी होता है। इस तरह से ये सारे सीख मुकम्मल कर लें। चिकन को इस तरह से सीख में तैयार कर लेने के बाद एक नॉन स्टिक पैन में इसे शैलो फ्राई करें या माइक्रोवेव में इसे बेक कर लें, या आपके पास अगर ओवन है तो आप इसे ओवन में सेक लें। ये आपकी चॉइस है। एक नॉनस्टिक पैन में पहले से गरम तेल में इस सीख को हल्के हल्के लगाते जाएं। मीडियम टू लो हीट रखें। चार मिनट हो चुका है, अब इसकी साइज चेंज कर दें। दूसरी तरफ से भी ढककर पकाएं। लगभग 8 मिनट में कबाब बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसे निकाल लें और दूसरी बैचेज इसमें लगा दें। बहुत आसान से चिकन बोटी कबाब की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें, अपनी कमेंट ज़रूर लिखें। इतने आसानी से बनने वाली इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू।